हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ की आज जनजातियाँ देखेंगे जो कि सामान्य ज्ञान से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आज का क्लास सेकंड है, सेकंड क्लास है जो छत्तीसगढ़ की जनजातियों से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और व्यापम में जैसे कि सब इंस्पेक्टर, छात्रावास अधीक्षक और पटवारी यानी कि अमीन पटवारी में पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी कि आगामी एग्जाम में छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से पूछे जाता ही है। तो आपको मैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों से क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो आज हम क्लास करेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। तो सामान्य ज्ञान देखेंगे, जनजातियों से संबंधित थ्योरी क्लास देख लेते हैं। तो जनजातियों में छत्तीसगढ़ के अनुसंधान केंद्र रायपुर में स्थापित किया गया है। और जनजातियों का नाम मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत मिला है, ठीक है। व्यापम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है सीजीपीएससी सीजी व्यापम में। इसके जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं? 42 प्रकार की। कॉपी पेन साथ में रखिए और नोट करते चलिए। एवं 161 उप समूह में विभाजित है। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है तथा 161 उप समूह पाई जाती है। याद करते चलिएगा और साथ में कॉपी पेन रख लीजिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। कहीं पर आपको डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, ओके। छत्तीसगढ़ में देखिए, जनजाति से संबंधित भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद में लिया गया है? तो 342वें अनुच्छेद में लिया गया है। इसके बाद देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनजाति, छत्तीसगढ़ का जो अधिकांश जनजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की होती है। और बस्तर को जनजाति की भूमि भी कहा जाता है, बस्तर को जनजातियों का भूमि कहा जाता है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? 7, 5 केंद्र सरकार द्वारा और 2 राज्य सरकार द्वारा। वे कौन कौन से हैं चलिए कमेंट में बताइएगा। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या 7 है, 5 केंद्र सरकार द्वारा और 2 राज्य सरकार द्वारा। तो वे कौन कौन से विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सरगुजा है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सरगुजा है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर की अनुसूचित जनजाति क्या है? भुजमाड़िया। और भथरी बोली बस्तर की बोली जाती है, बस्तर बोली में कौन सी जाती है? भथरी, ठीक है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन देखेंगे जो सीजीपीएससी और व्यापम में छत्तीसगढ़ के जनजाति से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न। देखिए, यहाँ पर हमारे YouTube चैनल पर डेली क्लासेस कराया जा रहा है, शाम 6 बजे और 8 बजे की क्लास रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे YouTube चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का रहेगा CGPSC और व्यापम में छत्तीसगढ़ के जनजाति से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे। पहला है, छत्तीसगढ़ के सोना खान स्टेट किसके जमींदार के थे? तो ये बिंझवार के थे, ठीक है। सीजीपीएससी 2016 में पूछा गया है, यानी कि आपको सीजीपीएससी और व्यापम द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक है। जो आप एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जाति है अभुजमाड़िया। कॉपी है तो कॉपी में नोट करते चलिएगा, एक बार में आपको याद नहीं होता तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, या फिर डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रजा जनजाति का अन्य नाम क्या होता है? प्रजा जनजाति को अन्य नाम से किस जाने जाते हैं? तो धुरवा। प्रजा को धुरवा जनजाति के नाम से जाना जाता है। चौथा है कि जनजातियों में कौन कांकेर एवं बस्तर जिलों में नहीं पाई जाती? तो पारधी जनजाति है, कांकेर और बस्तर जिले में नहीं पाई जाती। छत्तीसगढ़ के किस जिले और में जनजाति निवास नहीं करती? तो वह कबीरधाम में। वीर नारायण सिंह किस जनजाति के समूह थे? तो बिंझवार जनजाति से संबंधित थे। वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति से संबंधित थे।
मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र नारायणपुर में है। जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है CGPSC व्यापम में उसको ही करा रहा हूँ मैं जी, उसको ही कराऊंगा मैं। जो कि देखिए, अगर पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ओके, यह प्रश्न व्यापम PSC में बार बार आया हुआ प्रश्न है, इसलिए देखिए वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा नहीं आता तो डाउनलोड करके रख लीजिएगा और क्लास करते जाइएगा। देखिए, मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र नारायणपुर है, CGPSC 2019 में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की बिंझवार जनजाति चिन्ह तीर का प्रतीक है, ये भी 2016 में पूछा गया है। ये देखिए जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब PSC और व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया है, तो घोटुल का अध्ययन वेरियन एल्विन ने किया है, CG व्यापम 2017 में पूछा गया है। पाइक किसका जनजाति से संबंधित है, पाइक कवर जनजाति से संबंधित है। बिहार जनजाति का मुख्यतः किस जिले में निवास करती है, तो ये सरगुजा आ जाएगा। इसके बाद बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है, तो यहाँ पर गदवा हो जाएगा, जो कि CGPSC और व्यापम दोनों में पूछा गया है। ककसार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो ककसार नृत्य अबुझमाड़िया, देखिए व्यापम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ककसार नृत्य अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया है, छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया है, CGPSC 2019 में पूछा गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं CGPSC और व्यापम क्वेश्चन ही करा रहा हूँ आप लोग को, जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये कमार जनजाति है, CGPSC 2017 में पूछा गया है। प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है, तो जो प्रधान जनजाति है पिछले वीडियो में कराया हूँ कबीरधाम वाला है ना, तो कबीरधाम में आ जाएगा, CGPSC 2019 में पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे कि नाहर एक उप जनजाति है, नाहर किसकी उप जनजाति है, बैगा की। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति ग्रुप PTG कौन है, ये PTG क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। धनका किसकी उप जनजाति है, तो धनका उराव की उप जाति है, व्यापम 2009 में पूछा गया है। धनका किसकी उप जनजाति है, उराव की। और उसी प्रकार अबुझमाड़िया गोड़ की उप जनजाति है। गुरावट विवाह को क्या बोला जाता है, विनिमय विवाह किया जाता है, ठीक है, गुरावट को विनिमय विवाह कहा जाता है, व्यापम 2016 में पूछा गया है। घोटुल किस जनजाति से संबंधित है, तो ये मुरिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। सेवा विवाह यानी कि लमसेना का प्रचलन किस जनजाति में है, सेवा विवाह किसे कहते हैं, गौड़ विवाह, ठीक है, सेवा विवाह एक गौड़ जनजाति में। सल्फी नामक पदार्थ किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है, तो ये सल्फी है जो माड़िया में प्रिय है, सल्फी पेय पदार्थ है। छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो पुनर्विवाह को चूरी पहना विवाह और क्या बोला जाता है, अर उतो विवाह कहा जाता है। चूरा पहना विवाह को अर उतो विवाह, पुनर्विधवा विवाह पुनर्विवाह कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में दूध लौटाओ विवाह किस में प्रचलित है, तो गौड़ जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। गोदना गोदवाने जनजाति कौन सी है, तो ओझा है ना, गोदना गोदवाने वाली जनजाति ओझा यानी कि गौड़ जनजाति। इसके बाद देखेंगे लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, लोहा का काम करती है अघरिया लोग। छिंदी यानी कि पत्ते से चटाई की टोकरी कौन बनाते हैं, तो शिकारी है ना, CG व्यापम 2017 में पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ PSC और व्यापम में पूछा गया है। लोहे की पूजा को दुर्गा देवी की पूजा मानते हैं कमार लोग। सड़वा जुड़वा का हिंदी अर्थ क्या होता है, भैया देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है और रिपीट हुआ है। सड़वा जुडुम हिंदी का अर्थ है शांति की ओर लौटो। अमृता की स्तन की परंपरा किस जनजाति में, तो डंडाबी माड़िया जनजाति में, CGPSC 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे, इसे आप नोट करते चलिएगा, ठीक है।
छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोगों में प्रचलित ढुंकू प्रथा है, तो यह छत्तीसगढ़ के राज्य की जनजातीय लोगों में प्रचलित जून को विवाह हट विवाह का एक स्वरूप है, जिसमें लड़की भागकर अपने प्रेमी के घर आ जाती है और वहाँ रहने लगती है। कुछ जनजातियों में हट विवाह को पैठुल विवाह भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। प्रश्न है,